सरकार सभी ग्रामों के विकास कार्य, शौचालय, सरकारी आवास, गली, खरंजा आदि विकास कार्यों के लिए भू रुपए दे रही है। इसके अलावा गरीबों को एक माह में दो बार सरकारी राशन देने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जिसमें कि सरला चतुर्वेदी, दुर्गेश चतुर्वेदी सरकारी राशन डीलर, पूरन चंद्र शास्त्री ग्राम प्रधान छाछा, सरकार को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राशन डीलर भी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्राम छाछा का है। यहाँ की जनता ग्राम प्रधान पूरन चंद्र शास्त्री से बेहद परेशान होती हुई नजर आ रही है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हम कई वर्षों से पन्नी तान कर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी कोई काम नहीं करा रहे हैं। गांव की नालियों में गंदगी भरी हुई थी, कोई सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आ रहा है तथा गांव में सरकारी नल सूखे पड़े हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं कराई जा रही है। ग्राम निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने यह बताया कि कई लोगों को शौचालय तक नहीं दिए गए हैं तथा सरकारी आवास के लिए प्रधान द्वारा रुपए लिए गए। आइए दिखाते हैं कि आपको पूरी रिपोर्ट क्या है और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की खास रिपोर्ट। यही समस्या है, कुछ देते ही नहीं प्रधान, नहीं कुछ दिया ही नहीं। ये कौन सी जगह है आपके? अम्बेडकर मोहल्ला। कहाँ की बात है ये? यही की बात, छाछा में। तो आप पन्नी में रह रहे? पन्नी में ही। तो अभी तक आपको कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं, हमें तो कुछ शुरुआत से ही नहीं दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? तारावती। तीन साल से सब माले फालिस मारी। हाँ। मैं किसी लायक माले कोई काम करता ना है, कोई बात ना है, उठ के बैठने में तकलीफ है। और हमने माले प्रधान जी से कही हो, लेकिन माले एक दो बार इंक्वायरी करी गई, माले देखभाल करी, उसके बाद माले कोई समस्या हमारी सुनी नहीं, कोई सुनवाई साहब ना अभी। ये समस्या बताओ, हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाए? मान लो जब टूटे झोपड़े माले पड़े, बरसात हो तो दिक्कत और सर्दी आओ तो दिक्कत। क्या चाहते हो? हम चाहते कि हमारे माले मेरी सेवा की जाए और हमें कॉलोनी में दिलाई जाए। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सुरेंद्र सिंह। मतलब जाए टूटी फूटी रात है, मान लो हमें कॉलोनी भैया दिवा दे, जाए वाले बच्चा बने तो रही, बरसात हम बने रहते हैं। नहीं, आपने प्रधान जी से नहीं कहा? कहा थे। क्या कह दिया? दिवाए नहीं, फिर सुनिए, मतलब दोबारा, फिर मतलब प्रधान जी बनी है, कुछ दिवा उन्हें, पहले वो कही, अब हूँ कही दोबारा। दो बार प्रधान जी बन चुके? हाँ। आपको कॉलोनी नहीं दी? ना। क्या नाम है आपका? हमारा रेशमा। प्रधान जी का क्या नाम? शास्त्री। हाँ, पूरन चंद्र शास्त्री। अच्छा, पूरन चंद्र शास्त्री नाम है। किस गांव निवासी हैं आप? बनारा। अब क्या समस्या तुम्हारी? समस्या जो है, आदमी मारो दारू पियत और ना तो कॉलोनी आएगी और ना मेरे जगह रही, ना घर कुछ ना ही आए। और मैं दो बच्चा आए पढ़न जात और एक छोटो आए, जो ना राशन मिलत बच्चे नो ना राशन और ना बैसो राशन कैसो ना मिलत, बताओ क्या खाएंगे हम लोग? नहीं, आपको राशन डीलर राशन नहीं देते क्या? कुछ नहीं मिलता हमको। क्यों? पता नहीं, और ना बनाते हैं कुछ। अच्छा, और बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र पे मिलता है? क्यों? एक महीना मिल जाता है तो दो महीना तीन महीना नहीं मिलता है। क्या नाम है आंगनवाड़ी का? आंगनवाड़ी का रेखा नाम की है, वो बांटती है। आप किस गांव के निवासी हैं? किस गांव में रहती है आप? छाछा में रहते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम। अभी तक जो है लोगों के यहाँ, बहुत से लोगों के यहाँ शौचालय नहीं बने हैं। शौचालय बने ही नहीं सरकार। अच्छा, और जिन लोगों के शौचालय के लिए उन्होंने आवेदन भी किया तो बहुत से लोगों से रुपए वगैरह मांगे। किसने मांगे? किसने मांगे भाई? ये तो यही लोग बताएंगे। आप बताइए, आप बताइए। जैसे बता तो रहे हैं ये भाई, बता तो रहे हैं ये प्रधान मांगे भाई, जो जनता सबके यहाँ तो सबका पति का सबका जन्म यहाँ आया है, कोई नहीं रहे, यहाँ के रहने ही वाले हैं सब, कोई यहाँ इधर से नहीं आए हैं। कैसे गुजारा कर रही हो? कैसे कर रहे? टूटे टूटे पन्नी है, दरवाजा नहीं, कहीं फूटे टूटे जो पड़े मकान, ऐसे गुजारा हो रहा है। नालियाँ देखो कितनी गंदगी है, कहीं डेंगू हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे सब पड़े रहते हैं, परेशानी उठा रहे हैं। प्रधान के पास जाओ, कहते मुझे वोट दिया, चले जाओ यहाँ से, सबको भगा देते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? पूरन सिंह है। पूरन शास्त्री। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मंजू देवी।
अरे प्रधान भाई कुछ कॉलोनी आलोनी नहीं देते हैं, और जब बोलते हैं तो कह देते आपको नहीं मिलेगी। हम क्या लड़ाई कर